चलो अब आ ही गए हैं तो वेलकम टू बहन एक्सप्लेनिंग, जहां आज हम रिव्यू करेंगे ब्लफ मास्टर। नो नो कुशा, इट्स नॉट ब्लफ मास्टर, इट्स ब्लफ मास्टर। आज हम रिव्यू कर रहे हैं रोहन सिप्पी की 2005 कॉन मैन फिल्म ब्लफ मास्टर। स्टारिंग अभिषेक बच्चन इज रॉय, अ वेरी शाना कॉन आर्टिस्ट जो अपनी स्कीम से आपके पैसे चुरा लेगा और अपने ठुमकों से आपका दिल। दिस फिल्म इज वेरी 2005, इट हैज ट्रैम स्टैम्प, डेटेड पॉलिटिकल जोक्स। मैं बरखादत बोल रहा हूँ एनडीटीवी से, एंड भर भर के एकता कपूर सीरियल के रेफरेंसेस। ए सिमी से तुलसी मत बनो के। इतना सब अगर बा के साथ होता ना तो वो भी कमोले का बन जाती। तो हमने सोचा व्हाई नॉट समराइज दिस मूवी फॉर यू इन द सेम देसी सोप अंदाज इन अ सेगमेंट वी आर कॉलिंग बहन स्पिनिंग क्विकीज। रॉय और सिमी जल्द शादी करने वाले हैं। रॉय एक रिटायर्ड स्टॉक ब्रोकर है और सिमी एक होटल में काम करती है। भगवान उनकी जोड़ी ना बस बना कर रखना। ऐसा नहीं हो सकता। क्या? रॉय असल में एक कॉन मैन है, एक ब्लफ मास्टर, और ये सब सिमी को पता चल जाएगा वो रॉय से अपनी मंगनी तोड़ लेगी, उसे छोड़ देगी और रॉय को ब्रेन कैंसर हो जाएगा और अब ही विल ओनली हैव 3 मंथ्स टू लिव। और फिर रॉय को मिलेगा डिट्टू जो उसे क्राइम की दुनिया में वापस खींच लेगा। एंड टुगेदर दे विल कॉन चंद्रु, बट चंद्रु सिमी को किडनैप कर लेगा एंड इंस्टेड टेक्स ऑल ऑफ रॉयज मनी एज रैंसम। बस बस मैं और नहीं सुन सकती। अरे बाकी का तो सुनती जा। इट विल टर्न आउट कि ये सब सिमी ने प्लान किया था। शी हायर्ड डिट्टू, फेक डॉक्टर, चंद्रु एक्सेट्रा टू टीच रॉय अ लेसन। एकदम मेटा। हैंग ऑन, हैंग ऑन, दिस इज द प्लॉट। या आई, दिस इज द प्लॉट, इट्स नॉट अ गुड ट्विस्ट। तू बना लेना फिर। ब्लफ मास्टर इज अ ग्रेट फिल्म टू वॉच अगर आप कोई और हाई फिल्म देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। नॉट बिकॉज इट्स दैट गुड, बट बिकॉज इस मूवी में बाकी सारी हाई फिल्म से कुछ ना कुछ तो चुराया ही हुआ है। चुराया नहीं सृष्टि, रिसर्च। फिल्में देखें तो प्लान कैसे मिलेगा? इट्स माय रिसर्च गुरु। ब्लफ मास्टर इज एन एडाप्टेशन ऑफ द अर्जेंटीनियन फिल्म नाइन क्वींस, बट इट इज क्लियर कि बाकी फिल्म्स का भी काफी रिसर्च डाला है मूवी में। फिल्म्स लाइक मैचस्टिक मैन, दो और दो पांच, ओशंस 11 एंड सो। ऑल्दो इफ यू आर अ फिल्म लवर, रोहन सिप्पी हैज लेफ्ट छोटे-छोटे ईस्टर एंड फॉर यू टू फाइंड थ्रू आउट, लाइक मल्टीपल रेफरेंसेस टू शोले एंड शान। जयर गुरु, फिल्मी थे। I would say this film is a mixture, और हर मिक्सचर की तरह कभी एक डिलिशियस सा काजू मिल जाता है और कभी किशमिश तक nobody likes. You'll find hilarious काजू moments like this. Also unnecessary moments like this. हमें इस तरह का लैपटॉप पसंद है। The film has an amazing cast. Abhishek Bachchan is in solid form. Plus there's Boman Irani, Nana Patekar and up and coming Priyanka Chopra. Yaad hai Kusha jab media Priyanka ko piggy chops bulati thi? Of course, how can I forget? Kyunki which aura doesn't enjoy being compared to a piece of meat? And Mangalwar ko she used to be paneer chop. Paneer chop. रितेश देशमुख स्टार्स इन द फिल्म एज डिट्टू, रॉयस चेला। रॉय उसे 400 बीसी के साथ साथ काफी मरीन बायोलॉजी भी सिखाता है। अपने आसपास देखो डिट्टू, दुनिया एक समंदर है और इंसान इसमें मछली, मानिए गोल्डफिश, पांगड़ा, पॉम्फ्रेट, व्हेल। या एंड दे स्टे प्रीटी कमिटेड टू दिस एक्वेरियम मेटाफर। वो मछली नहीं, शार्क है। Speaking of aquarium metaphors, we now come to the segment called glass half full of water. Because aquariums also have water, so glass half full. A beautiful segue, wow, well done. With a fantastic cast, stylish direction and a banging soundtrack, the weakest point in this film is the script. बिल्कुल इस बैंसलेनिंग एपिसोड की तरह। हाँ, लिख दो कमेंट्स में, हम जानते हैं आप करोगे। ये पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसमें रैप सॉन्ग फीचर हुआ था। यो यो जी और बादशाह ब्रो से पहले अभिषेक बच्चन सैंग राइट हियर राइट नाउ। एक मैं और एक तू है। इस गाने की म्यूजिक वीडियो फराह खान ने डायरेक्ट की थी एंड एज यूजुअल इट फीचर्ड मेनी रैपसरास। रैपसरा मतलब? रैपसरा जैसे अप्सराज आर लेडीज जो स्वर्ग में नाचती हैं, रैपसराज आर लेडीज जो रैप वीडियोस में नाचती हैं। दे आर लाइक
क्या मस्त बीट है इस गाने की. आई मस्ट डांस इन माई चड्डी नाउ, कांट रेजिस्ट इट. ऑल्दो आई नो इट इज वेरी ऑब्जेक्टिफाइंग, आई कांट हेल्प बट थिंक इफ वी कैन यूज द सम्मोहन पावर्स ऑफ रैप्सराज फॉर गुड, यू नो, टू मेक बोरिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग. ओके चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओपन योर बुक. ओपन इट. Where x represents an unknown value, while a, b, and c represent known numbers, where a is not equal to zero. If a is equal to zero, then the equation becomes a linear equation. Me, not me. Since there is no ax2, x2 is equal to x squared in the equation. In this. Equation. The numbers a, b, and c are coefficients of the equation. And so efficient together. And may be distinguished by calling them the quadratic coefficient, the linear coefficient, and the constant. Be my constant. Repeat after me. And the. On a scale of machli metaphors, we would give this movie one rava fry nimbu marke, because it is very chatpati oho ho, and you'll enjoy it more if you're already 2 beers down. That is so well put. Do let us know in the comment section what your favorite rap song from the 2000s is. What is yours? Mine is something I can't sing, because then this video will get taken down. Oh my god, is it that song where it goes like, we're talking about the same song. Can you tell us what song this is? It is that song. It is that song you're thinking about.